दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीजेपी ने कर दिया है बड़ा कांड, मध्य प्रदेश में होने वाला है बड़ा सत्ता परिवर्तन। जी हां दोस्तों, बीजेपी सत्ता से होने वाली है बाहर, इसका जीता जागता सबूत मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, जहां सरकारी दफ्तर में लगी आग और कई भ्रष्टाचार मामलों के फाइलों को जला दिया गया जानबूझकर। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि 7 बड़े घोटालों की फाइलें भी जलाकर खाक कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्रालयों के दफ्तर वाले भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये आग किसी साजिश के तहत ही लगाई गई। आग पर विपक्षी नेताओं ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी ने कहा, व्यापम कांड में गवाहों को मिटाया गया, इस बार सबूतों को जला ही दिया गया। दोस्तों बताते चलें, ये आग सुबह लगी थी और दोपहर से रात तक हो गई, लेकिन फिर भी आग नहीं बुझाई जा सकी और इतने में सभी मंजिलों पर रखी तमाम मंत्रालयों की फाइलें जलकर खाक हो गईं, जिसमें कई बड़े घोटालों से संबंधित दस्तावेज भी जला दिए गए जानबूझकर। ये विपक्ष का कहना है मध्य प्रदेश में। विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में अब की सत्ता परिवर्तन होने वाला है, इसीलिए पहले से ही ये सबूत मिटा दिए गए। अगर एक बार कांग्रेस की सरकार आ जाती तो बड़े बड़े बीजेपी के नेता अंदर होते। क्या दोस्तों आप लोग कांग्रेस पार्टी की बातों के समर्थन में हैं? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।